वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और एनिशिएंट इंडिया में आज हम डिस्कस करेंगे चोल साम्राज्य। पहले तो चोल साम्राज्य है कहाँ पर मैप पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ सीधे सीधे। ये देख लो, ये एक मैप यहाँ पर जो है लगाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है चोला टेरिटरी, यानी यहाँ पर तो इनका शासन है लेकिन इनडायरेक्टली वे में ये लोग बहुत बड़े एरिया पे शासन कर रहे हैं, ऊपर भी शासन कर रहे हैं, ठीक है, उड़ीसा तक। और यहाँ पर आप देखेंगे ये अंडमान निकोबार हो गया, ये आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, इन सभी क्षेत्रों पर इनका शासन है चोलों का। और ये है चोलों का राष्ट्रीय ध्वज जिसमें जो है आप देख सकते हैं चीता यहाँ पर बना हुआ है। तो अब चलिए वापस लौटते हैं, देखो भाई सबसे पहले देखते हैं चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है साथियों। तो आप देख सकते हैं चोल साम्राज्य के संस्थापक हैं विजयालय। अंतिम शासक मतलब सॉरी वास्तविक संस्थापक कौन है चोलों का, तो इसे माना जाता है राजराज फर्स्ट। अंतिम शासक कौन है, ये है राजेंद्र तृतीय। राजधानी क्या है इनकी, तो पहले इनकी राजधानी है तंजौर लेकिन बाद में राजेंद्र प्रथम ने इनकी राजधानी को बनाया गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है। उपराजधानी क्या है, तो उपराजधानी है कांची। आवासीय राजधानी क्या है, ये है पलाई यराई, ठीक है। उरैयूर क्या है, उरैयूर है चोलों का प्राचीनतम निवास स्थान। तंजौर क्या है, चोलों के उत्कर्ष का केंद्र। राजकीय चिन्ह क्या है, बाघ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बाघ है। सामंत कौन है इनके, तो मतलब सामंत है चोल पल्लवों के सामंत थे, बाद में इन्होंने पल्लवों से स्वतंत्र होकर के अपने राज्यों की स्थापना की है। और चोलों के जो सबसे प्रबल शत्रु हैं ये हैं कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। अब एक एक करके विभिन्न राजाओं के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पहला राजा है हमारे पास विजयालय, इसी ने स्थापना करी है चोल वंश की। इसकी उपाधि क्या है, इसकी उपाधियों में इसे तंजईकोंड या परकेसरी कहा गया है। 850 ईस्वी के लगभग विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ। विजयालय पल्लवों का सामंत था जैसा कि हमने ऊपर देखा। उसने पल्लव और पांड्य दोनों ही राज्यों से प्रतिस्पर्धा करते हुए एक स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना की, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मूवी आई थी एक PS है ना, तो PS1 PS2 करके दो पार्ट में आई थी, तो आप इसको एक बार देखना, उसमें चोलों की कहानी जो है दिखाई गई है। पांड्यों को हराकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया तथा उसने तंजौर में दुर्गा माता का मंदिर भी बनवाया। तो ये बिल्कुल पूछ सकता है पेपर में कि बताइए तंजौर में दुर्गा माता का मंदिर किसने बनवाया, आप आंसर करोगे विजयालय ने। आगे बढ़ते हैं, अगला शासक है हमारे पास इसमें आदित्य प्रथम, 871 से 907 ईस्वी तक रहा है। प्रारंभ में ये पल्लव शासक पराजित वर्मन का सामंत था परंतु बाद में आदित्य ने श्री पुरम्बियम के युद्ध में अपराजित वर्मन की हत्या कर 890 में तोंड मंडलम पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसी उपलक्ष में उसने कोदंड राम की उपाधि धारण करी। ध्यान रखना पेपर पूछ सकता है कोदंड राम की उपाधि किसकी है, तो आप आंसर करोगे आदित्य प्रथम की, कोदंड राम, ये ठीक। इसी समय से चोल पल्लवों का शासन समाप्त कर स्वतंत्र हो गए। आदित्य प्रथम के तक्कोलम लेख में एक सूर्य ग्रहण का उल्लेख हुआ है। यह सूर्य ग्रहण 894 से 895 ईस्वी में पड़ा था। आगे देखो, अगला शासक है हमारे पास परांतक प्रथम। परांतक प्रथम के 919 ईस्वी से 921 में उत्तर मेयूर से प्राप्त दो अभिलेखों में ग्रामीण स्थानीय शासन का विस्तृत विवरण मिलता है, ठीक है। ये पेपर पूछ लेता है उत्तर मेयूर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, तो आप आंसर करोगे स्थानीय ग्रामीण प्रशासन की। प्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक परांतक प्रथम था, ध्यान रखना। कुछ इतिहासकार इसे ही चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इसने वेलूर युद्ध में पांड्य तथा सिंहल राजाओं की सम्मिलित सेना को हरा दिया तथा मदुरा पर अधिकार कर लिया। इसी उपलक्ष्य में उसे मदुरई कोंड की उपाधि उसने धारण की। ये है मदुरई, जहां पर मीनाक्षी टेम्पल है उसी की बात हो रही है, ठीक है। राष्ट्रकूटों
पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उसने वीर चोल की उपाधि धारण की, राष्ट्रकूटों को जब हराया। उसने हेमगर्भ तथा तुलाभार नामक यज्ञों का भी संपादन किया। परांतक प्रथम ने श्रीलंका पर भी असफल आक्रमण किया, यानी उसने यहां पर भी आक्रमण करने का प्रयास किया लेकिन जीत नहीं पाया। परांतक प्रथम के काल में ऋग्वेद के भाष्यकार वेंकट माधव हुआ करते थे, ध्यान रखना। इसने शिव की उपासना के लिए दब्र सभा का निर्माण करवाया। इसने चिदंबरम के शिव मंदिर को स्वर्ण से भर दिया, यानी सोने से भर दिया, इतना ज़्यादा दान दिया। ठीक है, आगे देखो जरा। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि शिव की उपासना के लिए उसने दब्र सभा बनवाई, किसने? परांतक फर्स्ट ने। आगे देखते हैं, परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 449 ईस्वी में तक्कोलम युद्ध में पराजित करके तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया। इसी उपलक्ष्य में कृष्ण तृतीय ने कांची और तंजौर के दमनकर्ता की उपाधि धारण की। तो ये हुआ इसका पहला पार्ट। छोटे छोटे वीडियोस बना करके जो है हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और सारा के सारा ये जो है कुछ ही समय में हमारा समाप्त हो जाएगा। छोटे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप जो है बिना बोर हुए कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।